अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ फरा इकरार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हमेशा की तरह मेरी ये उम्मीद है और आप सबके लिए दुआ भी है कि जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, खुशबाश हों, अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हों। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबा गैप आ गया, मैं काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ और मैं बड़ा मिस करती हूँ आप, क्योंकि YouTube पे जब मैं कोई भी कंटेंट डालती हूँ, कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है, कमेंट्स आते हैं, बड़े प्यार का आप इजहार करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब लास्ट व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था, एधी साहब की कब्र पर मैं गई थी, उसके बाद से मुझे हीट स्ट्रोक हो गया। मुझे पता नहीं था कि हीट स्ट्रोक हुआ है। मैं बिल्कुल निढाल थी, वापस आई, नौजिया हो रहा था, सर में बड़ा दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शायद थकन की वजह से ऐसा हो गया, पूरा दिन काफ़ी काम किया है। मैं लेट गई, आराम किया, लेकिन अगले दिन भी ऐसी कैफियत रही। फिर एक दिन छोड़ के मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको सीवियर हीट स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, आपकी बॉडी में मिनरल्स कम हो गए हैं, सॉल्ट और शुगर की मिकदार भी कम है। शुगर भी उन्होंने मेरा चेक किया और उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि पानी मेरे पास से पी लेती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि सिर्फ पानी पीना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को सॉल्ट की भी ज़रूरत है, शुगर की भी ज़रूरत है, आयरन की भी ज़रूरत है, कैल्शियम की भी ज़रूरत है, विटामिंस की भी ज़रूरत है, डिफरेंट किस्म के मिनरल्स की भी ज़रूरत है, और जब आप धूप में सांस भी लेते हैं तो ये सब कुछ पानी के साथ एवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से ये कैफियत हो जाती है। और कराची में बहुत गर्मी है, जितने लोग भी देख रहे हैं मुझे, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, ORS वाला पानी जो है अपने साथ रखें, उसको सिप सिप पीते रहें, ताकि आपकी बॉडी को जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। इतने दिन मैं जब आराम कर रही थी, ज़ाहिर कोई काम नहीं कर रही थी, ऑफिस भी नहीं गई, आज मैं बहुत दिन के बाद अपने शूट पर भी गई हूँ, सोशल मीडिया देख रही थी, तो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा था, जो कुछ मैं देख रही थी, वो बड़ा ही अफसोसनाक है और आज मैं उसी पर आप लोगों से बात करना चाहूँगी। सबसे पहली जो वीडियो आप सब लोगों ने भी देखा सोशल मीडिया पर आई, मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान, मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान जामिया मंजूरुल इस्लामिया सदर कैंट में बच्चों को तालीम देते थे, और साबिर शाह नाम का उनका स्टूडेंट था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई, इतनी अफसोसनाक, भयानक, मकरूह, गलीज़, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनमें मैं अपने जज्बात को बयान कर सकूं कि वो सब देखने के बाद मैंने कैसा महसूस किया। और उसके बाद जब वायरल होती गई ये वीडियो, उस लड़के का बयान भी सामने आया कि किस तरह मुझे बार बार फेल किया जाता था, मुझे डराया धमकाया जाता था, इस कभी अमल के लिए आमादा करने के लिए क्या क्या हरबे आजमाए जाते थे, और फिर उसने ये भी कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। उसके बाद उसने ये भी कहा कि मुझे जान का ख़तरा है। अब आप उस बुज़ुर्ग शख्सियत को देखिए जो अपने नाम के साथ मुफ्ती भी लगा रही है, और उस्ताद का दर्जा कितना बड़ा है ये हम सब जानते हैं, रूहानी बाप होता है, आपने सारा कुछ धड़ाम से जमीन बोझ कर दिया, मतलब क्या रह गया? आप किस तरह की वीडियोस सामने आती हैं, और फिर ढिटाई और शर्मनाकी की हद आप ये देखें कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि कुरान पाक जैसी पाक किताब को आप अपने सामने रखते हैं, उस पर हाथ रखते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इसमें मुलविस नहीं था, मेरी चाय में कोई नशावर चीज़ें मिला दी गई थी, जिसके बाद ये बच्चा मेरे साथ पता नहीं क्या क्या अमल करता था, मुझे नहीं मालूम। और फिर जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप उन सारी हरकतों का इकरार भी कर लेते हैं, तो आपको कोई थोड़ी सी भी शर्म है, कोई थोड़ी सी भी हया है? आप अपनी बुज़ुर्गी का ही ख्याल करें, आप जिस मर्तब पर फायज हैं उसका ही ख्याल करें, लेकिन नहीं, कोई ख्याल नहीं है, पता नहीं क्या आप दरिंदे बन चुके हैं, भेड़िए बन चुके हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ हमेशा कि दरिंदों और भेड़ियों को भी शर्म आ जाएगी, वो भी अगर बोल सकें तो कहें कि भाई हमें इन जैसे लोगों के साथ बिल्कुल ना मिला। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाकया था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जितने भी लोग थे जो अपने बच्चों को मदारिस में भेजते हैं, इससे पहले भी खौफजदा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आती रही हैं जिसके बायस वालदैन में खौफ पैदा होता रहा, लेकिन इस वाक्य ने तो दिल दहला के रख दिया कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर मदरसे की जरा आप हरकत देखें कि जब सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल हो गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, तो उन्होंने सिर्फ इनको अपने ओहदे से हटा दिया, उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनके कॉल फेल के हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो ये जिम्मेदारी पूरी
की, और अब तक मुझे नहीं पता उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई भी है या नहीं हुई, ये सिर्फ जबानी कलामी बातें हैं या इस चीज़ को दबाने की खातिर जो है बस एक एक्शन ले लिया गया, उसके बाद अमली तौर पर क्या हुआ, क्या सजा मिली, उसका मुझे नहीं पता। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जो इतने झूठ बोल रहे थे और कुरान पाक को हाथ में रख के ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर गिरफ्तारी के बाद उनकी अकल ठिकाने आ गए, ये सारी चीज़ें उन्होंने मान ली, उस बात को अभी ठंडा हुए कुछ वक्त ही नहीं गुजरा था कि जी मुफ्ती कवि साहब की भी वीडियो सामने आ गई, कुछ तस्वीरें आ गई जिसमें वो जी बेलिबास आपको नजर आ रहे हैं, अजीब व गरीब सी उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कहते हैं, उनकी अकल जवाब दे गई है, क्या हो गया उनके साथ, क्योंकि उनकी बहुत सी अगर हम नजर दौड़ाएं तो माजी में भी ऐसी हरकतें रही हैं। कंदील बलोच वाला वाकया आप सबको याद होगा, फिर हरीम शाह ने थप्पड़ रसीद कर दिया इन साहब को, और उसके बाद जब ये चीजें आ गई इस पर भी इनकी तरदीद आ गई कि भाई ये मैं हूं ही नहीं, ये मेरी बॉडी है ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं। लेकिन समझ से बाहर है आखिर ये कर क्या रहे हैं, इस तरह की हरकतें क्यों सामने आ रही है, फिर नाम के साथ मुफ्ती लगा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी और मदरसों से भी कि ये बड़ा एक इज्जत का मकाम होता है मुफ्ती मौलाना, आप ऐसे लोगों के नाम के साथ तो मुफ्ती और मौलाना हटा दें, क्योंकि ये बाकी सब के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। और जिस तरह की ये हरकतें करते हैं, और सियासी पार्टियों से इनकी एफिलिएशन भी है जी, एक JUIF से ताल्लुक़ रखते हैं, एक तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये सियासी जमातें हैं और दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनको बहुत सोच समझ के ना इस बारे में भी कोई कानून मुरतब कर देना चाहिए कि ऐसे अफराद जब ऐसी हरकतें सरजद करें तो उनके साथ होना क्या चाहिए। ये अफसोसनाक वाकया अभी रुका नहीं था कि एक और वाकया हो गया। जो मुफ्ती कवि है ना उनसे तो उनके घर वाले भी बड़े तंग थे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये भी कहा गया कि उनको घर में बंद कर दिया है, बाहर नहीं निकलने दे रहे, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई। तो मेरा ख्याल है इनको किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कोई इनको जहनी आर्जा है, कोई इनकी अकल जवाब दे गई है, जिस तरह की वो बातें करते हैं हरकतें करते हैं उनके साथ तो मुफ्ती लगाना इस लफ्ज़ की बड़ी तौहीन है। अच्छा जी, दूसरा जो वाकया मैं बता रही हूँ आपको जो इसके बाद पेश आया, बल्कि दूसरा नहीं ये तीसरा वाकया पेश आया, अलावा मजहर हुसैन नजफी साहब हैं जी, मदरसे में ही पढ़ाते हैं, उस्ताद जैसा एक बड़ा रुतबा है, उनकी भी वीडियो सामने आई, ऐसी शर्मनाक, ऐसी गलीज, ऐसी मकरू, ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के इंसान सोचे कि ये अपनी इतनी बड़ी दाढ़ी, अपनी तालीमात, अपने रुतबे, अपने मरतबे, अपनी उम्र का कोई लिहाज और ख्याल नहीं करते, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, और उस पर शर्मिंदगी भी कोई नहीं है, अजीब अजीब बयान देने लगते हैं। उसके बाद इनको मदरसे से निकाला गया, इनकी इस किस्म की काली करतूतें सामने, पता नहीं कब से ये सब कुछ चलता आ रहा होगा और ये अब सामने आया है, अब मदरसे वालों को ख्याल आया होगा, अब इंतजामिया हरकत में आई होगी, और ये साहब तो अभी फरार ही हैं, इनको गिरफ्तार भी अभी तक नहीं किया गया जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इनको तो किसी आम शख्स से ज़्यादा सख्त सजाएँ दी जानी चाहिए, ये इंसान तो इंसान कहलाने के मुस्तक नहीं है, कहाँ इनके नाम के साथ इतना बड़ा रुतबा और मरतबा हम लगा देते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले लाहौर में ही एक मदरसे में ऐसा वाकया पेश आया था, 6 साल का बच्चा था जिसको जिंसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, उसकी लाश को मदरसे के सहन में लटका दिया गया था। उस वाकये ने मेरे पर इतना असर किया था कि मैं बहुत अरसे तक एक डिप्रेशन में रही। अब ये जो वाकयात आ रहे थे मुझे इंतहाई अफसोस भी हो रहा था, गुस्सा भी था, मैं चाह रही थी कि इस पर मैं बात करूं, लेकिन उस वक्त मेरी तबीयत इतनी बहाल नहीं थी, इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उस पर बात कर सकूं। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूं कि खुदारा हुकूमत इस पर कोई कानून पास करे, और ये मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग जो अपने आप को इतने बड़े दर्जे पर फायज समझते हैं, इनके नाम के साथ मुफ्ती मौलाना लगा हुआ है, अल्लामा लगा हुआ है, इनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो किसी एक आम शख्स के लिए है वही इन पर लागू हो जाए। नहीं नहीं नहीं, इनको तो कड़ी तरीन सजाएं दी जानी चाहिए ताकि ये अपनी इन हरकतों से बाज रहें, और खुदा ना खास्ता ऐसे शैतान सिर्फ जितने भी और लोग हैं उनको समझ आए कि भाई हम कल को ये मकरूह अमल करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हम देखते हैं कि दुनिया भर में जुर्म होते हैं, लेकिन दुनिया भर में जुर्म का रेशो जो है वो इंतहाई कम होता है, क्योंकि वहां पर लगाम देने के लिए कानून इतना सख्त है। और यहां से भी जो लोग जाते हैं जो हमारे माशरे में बड़ी बुराइयां और खराबियां निकालते हैं, वहां जाके बिल्कुल बंदे के पुत्र बने होते हैं, तीर की तरह सीधे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कानून की खिलाफ वर्जी की तो हमारे साथ ये होगा, हमें भुगतना पड़ेगा। तो खुदा के वास्ते मेरी हुकूमत से, इंतजामिया से,
और जो शरई कवानीन हमारे बनाने वाले इदारे हैं उन सबसे ये अपील है कि खुदा के वास्ते इन सबको लगाम देने का एक ही तरीका है, इनसे कानून पर अमल करवाएं, कानून को इतना सख्त करें, ये सजाओं से डरें, इस तरह के मकरूह अमल ना करें, वरना ये खौफ जो है ना माशरे में बढ़ता चला जाएगा। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और इदारों पर सवाल उठने लगेगा जो कि पहले भी उठ रहा है। तो मैं तो यही अल्लाह ताला से भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। और इस वक्त सोशल मीडिया पे जो बड़ी बहस चल रही है, जो लोग खौफजदा हुए हैं, खासतौर पे वालदैन हैं, और एक अजीब ही रुख इख्तियार कर लिया इस बहस ने, जल्द से जल्द इससे छुटकारा मिले, और उसी वक्त मुमकिन है जब कानून हमारा स्ट्रांग होगा ऐसे लोगों को सजाएं मिलेंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और आज ख़ास तौर पर दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे ख़ानदान को शैतान सिर्फ लोगों से महफूज रखे, और हमें हर बला से दूर रखे, और हमारे पाकिस्तान पर रहम करे। अल्लाह हाफिज़।